बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। नाजरीन आप कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह ताला सब पे अपना फ़ज़ल व करम करे। आज हम जा रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बना रही हूँ आज चने की दाल की हलीम। चने की दाल है मेरे पास आधा किलो, 3 पाव मेरे पास चिकन है, बेसिक मसाला जाता है और लहसुन अदरक हरी मिर्च मैंने काट ली हुई है। 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया हुआ है और बड़ा कप जो है ना ऑयल का मैंने डाल दिया है। सारा लहसुन प्याज इसके अंदर गया, बेसिक मसाला जात भी इसके अंदर गए और हमारा सारा चिकन भी इसके अंदर गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। 15 मिनट हम पका लेते हैं, फिर नेक्स्ट करंट इसकी सिचुएशन देखते हैं। देखें जी, यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से जो है गल गया हुआ है और लहसुन प्याज भी गल गए हुए हैं। अब मैं इनमें बनाई वाले मसाले डालती हूँ। बनाई वाले मसालों में ज़रा ये है, ज़ीरा है, क्रश हुआ हुआ धनिया है, बड़ी वाली इलायची है, दालचीनी है और थोड़ी सी जो है ना है क्या उसे बोलते हैं गड़ा मिर्च है। ये सारा जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं कि हमारा ऑयल जो है ऊपर आ जाए। गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके से भुना जा चुका है, आप देख रहे हैं ऑयल सारा ऊपर आ गया है, बड़ा अच्छा कलर आया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दाल जो मैंने भिगो के रखी थी और इसमें डाल देते हैं पानी। इसको एक दफ़ा हिला के इसको लगा देते हैं 15 मिनट वेट। वेट के बाद मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाती हूँ। दाल बहुत अच्छे तरीके से हमारी मैश हो गई हुई है, बड़ी अच्छे से गल गई हुई है। अब मदानी की तरह मदानी से हम जो है ना इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से कि दाल भी सारी मिक्स हो जाए और हमारा चिकन भी सारा मिक्स हो जाए। चले मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। दाल हमारी मिक्स हो गई है, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ गरम मसाला। और ग्रीन हरा धनिया। धनिया मैंने फ्रीज किया हुआ है, काट के धो के अच्छे तरीके से। चलिए जी काफ़ी हो गया, अब इसको हम एक दफ़ा हिला लेते हैं। देखें जी दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी दाल चिकन हलीम हमारी बन के रेडी है, बड़ी मज़ेदार बनी है, बड़ा अच्छा कलर आया है, बड़ी मज़े की बनी है, मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखिए, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं न्यू वीडियो के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।